अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैंने आपसे पहले ही कहा था, तुलसी जी के लिए जरा सा भी स्ट्रेस जानलेवा साबित हो सकता है। इतनी बार समझाने के बाद भी आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही क्रिटिकल केस है। अगर उन्हें फिर से ट्रोमा हुआ तो वो दोबारा कोमा में जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी। डॉक्टरी तो कितना नेकी का काम है, तो ये इंसान ऐसे धूर्त कैसे बन सकता है? ये इंसान कुछ पैसों के लिए उस दुष्ट औरत की मदद कैसे कर सकता है? मम्मा फिर से कोमा में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं अपनी मम्मा को फिर से नहीं खोना चाहती हूँ, इतने सालों बाद आई है। गुनगुन, ऐसा नहीं हो सकता। गुनगुन बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हारी मम्मा को, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। ठीक तो वो तब होंगी ना जब आप उन्हें ठीक रहने दोगी। गुनगुन, पापा ने क्या कहा था कि मम्मा को रामा के बारे में मत बताओ, लेकिन आपने फिर भी मम्मा को रामा के बारे में बताया। देखो, अब मम्मा फिर से बीमार पड़ चुकी हैं। आप सब बड़े लोग ऐसा क्यों करते हो? आप बस अपने मन की करते हो। मैंने अपने पापा की बात मानी ना, तो फिर आपने मेरे पापा की बात क्यों नहीं मानी? जब पापा ने कहा था कि मम्मा को अभी सच मत बताना, तो फिर आपने क्यों बताया दादी? गुनगुन बेटा, देखो नाराज नहीं होते, समझने की कोशिश करो। नहीं दादी, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे आपकी बात ही नहीं सुननी। I hate you। गुनगुन बेटा, गुनगुन, मोहन, मोहन प्लीज, गुनगुन को समझाने की कोशिश तो करो। माँ, क्या समझाऊं मैं उस बच्ची को? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपने ऐसा किया क्यों। माँ, मोहन, माँ तुलसी की हालत कम खराब थी जो जो आपने उसे और स्ट्रेस दे दिया। ये तुलसी की डुप्लीकेट हमारा सारा का सारा गेम खराब कर रही है। जो बेटा इतना अज्ञाकारी था, अब वो भी हमें आंखें दिखा रहा है। कर कादंबरी, कुछ कर, वरना तुम्हारे हाथों से सारी सत्ता छिन जाएगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।